क्या घूमा, कुछ बताना, बता दीजिए, बताना चाहेंगे आप? तो बहुत कम लोगों को ऐसा ऐसा मौका मिलता है कि इतनी खूबसूरत जगह में बचपन गुजारना, जवानी गुजारनी। तो यहाँ हमारे सारे दोस्त भी यहीं के हैं और मैं तो चाहता हूँ कि और भी लोग इस तरफ आए रेस कोर्स पे और हॉर्स रेसिंग को एंजॉय करें। मुंबई शहर जैसी जगह में इस किस्म का एक मौका या खुली हवा या जो हरियाली है यहाँ पे महसूस करें और बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों को मज़ा आता है। थोड़ी गैम्बलिंग होती है, थोड़े से स्पोर्ट्स की तरह इसको हम कंसिडर करते हैं। सर आपकी कितनी यादें जुड़ी हुई है मतलब बचपन से लेकर आज तक? या बहुत सारी यादें हैं, मतलब पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सवारी करता था और इस किस्म की जो रेस आप देख रहे हैं ये प्रोफेशनल रेसिंग है, लेकिन एमेच्योर लेवल पे भी हम लोग खुद इसमें हिस्सा लेते थे और फिर पोलो खेला है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ओवर द ईयर्स पहले हम देखते थे कि बॉलीवुड का भी एक बहुत इन्वॉल्वमेंट था हॉर्स रेसिंग में, बड़े बड़े लोग आते थे जैसे राज कपूर साहब या फिरोज़ खान, महमूद, संजय खान, ऋषि कपूर, ये लोग सब यहाँ काफ़ी आते थे। अब थोड़ा शायद कम हो गया है क्योंकि पता नहीं, शायद उनको फुर्सत नहीं है लोगों को, लेकिन बहुत ही ग्लैमरस एक अपील है महालक्ष्मी रेस कोर्स की और यही कोशिश है हमारी है कि बॉलीवुड को इस चीज़ के साथ जोड़ के एक ऐसा इवेंट बनाए जिससे रेस कोर्स की पब्लिसिटी भी हो, हमारे स्पॉन्सर जो हैं मेट्रो मोटर्स, ऑटो हैंगर, उनका भी थोड़ा सा एक जिक्र हो। और स्पीड का खेल है सब कुछ, ये एक एक सवा मिनट डेढ़ मिनट की रेस होती है तो सारा कुछ जो है वो ग्लैमर और स्पीड का एक मिश्रण है। तो इसलिए जैकलिन फर्नांडिस जैसी एक्ट्रेस अगर आए, हमने एक किस्म की रीत बना ली है अभी 3-4 साल से, विद्या बालन आ चुकी है इस रेस के लिए, फिर उसके बाद सोनाक्षी आई है, कंगना, इस साल जैकलिन से हमने बात की। तो एक खूबसूरत एक्ट्रेस आए और इस जगह को जहाँ पे मर्द शायद ज़्यादा दिखाई देते हैं तो थोड़ा सा उसमें एक ग्लैमर क्वेश्चन आ जाए। सर बात करते हैं, क्या आप आने वाले, आपको जो आने फ्यूचर में आप जैकलिन को कुछ फिल्म में लेना चाहते? देखिए इस बार पहली बार है कि जो एक्ट्रेस हमने साइन नहीं की है वो इस इवेंट को ग्रेस कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग एक्ट्रेसेस। जब किक का प्रीमियर हुआ था तो मैंने इससे कहा था कि ये एक नई शुरुआत है इसकी लाइफ में और मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम एक फिल्म में साथ में या एक से ज़्यादा फिल्म में साथ में काम करें। मेरे साथ उसकी दोस्ती अच्छी है और मेरे ख्याल से जो भी उसके शुरुआत में थोड़े से हिकअप्स आए थे उसके करियर में, अब वो सब भूल गए हैं लोग और एक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं। मेरी फिल्म भी तैयार हो रही है तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। थोड़े बहुत पैसे लगाते हैं हम लोग, थोड़ा हारते हैं थोड़ा जीतते हैं, तो जो दूसरी रेस थी उसमें एक घोड़ा था जिसपे मैंने पैसे लगाए वो हार गया, उसके बाद तीसरी रेस में थोड़े और पैसे लगाए तो जीत गया, तो अभी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा प्लस हूँ मैं, अभी एक दो रेस और खेल के देखेंगे क्या हिसाब लगता है। थैंक यू। नॉट जस्ट Yeah, you're coming.
I've never rode here, but like I used to ride in Bahrain and the Middle East and in Sri Lanka a little bit. Yeah. So I used to ride. Okay. No, I've never rode in Thai. Okay. Hi. How are you? Hi. Hello. Hi, just in time for the race. We have to sprint. Yeah, come. Hi. Yes, welcome. Hello. I'm so sorry. My makeup artist is really late. पीछे तो देख, पीछे देखते हैं। हाँ, देख। मतलब वीडियो कर रहा है? You're dressed appropriately. Milan told me. Smart casual. You'll be featured in this outfit for the next 5 years. Lovely. Awesome. That's what I needed. Yes, the Hello. Hi. How are you? She even told me what she was going to be wearing. How are you? Hello. Leanne, why don't you come with us to the box? Come with us to the box. We can all go, no? Of course, there's ample place. Let's go from here. Yeah. Did they come? Come. Guys, we are late for the race. Okay, we shoot afterwards. Thank you.
कैंसिल ले लो ना। चलो बोलो फिर चीज़ और क्या है? हाथ 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 दीजिए। A lot of fun and interest in this today.
Sir, turn. Sir, turn. बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. ये मेरा दूसरी बार I've come to the races, so it was good. It was a good experience. I love horses, and it was very fast and quick, but it was a good experience. अच्छा, इसके पहले भी काफी glamour जुड़ चुका है इसके साथ, तो इस बार जुड़ के कैसा लग रहा है? Glamour कहाँ पे? मतलब यहाँ पे पहले. So it's an annual event. Ladies coming, so now she's been here with us. Oh, this event. हाँ, तो इसलिए मैं hat पहन के आई. Another glamour addition. Yes. In addition to the glamour, actually. In addition, I bet no one's worn a hat and come, no? No. Yeah, so that's why. Jacqueline, आपकी बात करें तो आप कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं? स्पोर्ट्स. I like sports. I don't. I'm not really a fan of watching sports so much. But I personally like badminton. If I was a better horse rider, I'm sure I would be more into horse races. Any memories you want to share with us? Badminton. I was first in my school. That's it. Miss Nada, आपको बहुत बताया. क्या करते हैं? क्या? What do you say about Milan sir? Milan sir is an amazing director. I've always been a huge fan, and I'm just very feeling very grateful that he called me for today's event, to be part of today's event. And he himself is an avid horse rider, so it's I also have a passion for horses, so I guess that's something that we share. बहुत लव करती हूँ. What can I say? I mean, it's really a good fortune that, you know, she accepted to come, and we are extremely pleased, you know, to be associated with this even more because she's here. मेरी अगली पिक्चर है रॉय है और फरवरी में रिलीज होगा. नया साल आने वाला है, तो क्या कुछ I don't make resolutions, but I think try and follow just simple life rules and you know, just things for myself that I think would help me and make me happy. Very simple steps, and I try to follow those every day. I don't just leave them for the new year. क्या? How old is 2015? I think was the सबसे अच्छा year मेरी जिंदगी में, सबसे अच्छा साल. Last question, please. New Year wish for all. This is wishing all of you a very very happy New Year. Thank you. फिल्में बहुत बेटर.